दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। पुरानी पेंशन की बहाली और हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड में एक स्थायी MD की नियुक्ति करने की मांग को लेकर बीते 6 दिन से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने अब शिमला कूच का आह्वान किया है। 11 जनवरी को राज्य भर के हजारों बिजली बोर्ड कर्मी और इंजीनियर शिमला पहुंचेंगे और अपनी मांगों को जोरों शोरों से उठाएंगे। बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में संयुक्त संघर्ष समिति ने यह ऐलान किया है। 16 में हुआ था, कब हुआ था? 11 तारीख को हमारा 11 जनवरी को मार्च टू शिमला है, जिसमें जो ज्वाइंट फंड की कॉल है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से सारे इंजीनियर कर्मचारी और सारे लोग वो पेंशनर्स शिमला में उसमें भाग लेंगे। इसके पीछे जो 11 तारीख का हमारा मार्च टू शिमला, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनको लेकर के मार्च टू शिमला की कॉल दी गई है। आप जैसा मीडिया के साथियों को पता है कि बिजली कर्मचारी अभियंता 2 जनवरी से लगातार संघर्षरत है। सबसे पहले पिछले जो 52 ईयर्स है उसमें कैसी बिजली बोर्ड में परिस्थितियाँ खड़ी हुई कि पहली को कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी नहीं मिली, जिस करके कर्मचारियों और पेंशनर में बहुत ज़्यादा संशय पैदा हो गया और पूरे प्रदेश में डिवीजन स्तर पर, सर्कल स्तर पर आंदोलनरत थे। अभी उसमें जो ज्वाइंट फ्रंट की मुख्य मांगे थी कि आज जो बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है या बिजली बोर्ड की जो आज जो हालत हुई है, उसके पीछे जो पिछले 9 महीनों से बिजली बोर्ड को एक अडॉप पे चलाया जा रहा है कि आपको जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और एडिशनल चार्ज पे पहले ही 2 महकमे, तीसरा बिजली बोर्ड है, जिस करके ये बिजली बोर्ड की स्थिति पैदा हुई है। तो पहला समझ जो ज्वाइंट फ्रंट का ये था कि बिजली बोर्ड में एक स्थायी MD का नियुक्ति की जाए, जिस करके जो आज की स्थिति है उसको सुधारा जाए। इसके साथ साथ जो बहुत सारे और भी जो वित्तीय स्थिति के कारण है, जो बिजली बोर्ड की बिगड़ी है, उन पर भी एक सोचने की जरूरत है। और ज्वाइंट फ्रंट का मानना है कि जो वर्तमान MD है और इनसे तो कभी वार्ता करते नहीं है और ना ये सुनते हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक ऐसा स्थायी MD हो ताकि उससे वार्ता हो सके, जो बिजली बोर्ड की आज स्थिति पैदा हुई है इसको ट्रैक पे लाया जा सके। दूसरी मांग हमारी जो बड़ी मांग है वो पुरानी पेंशन को लेकर के हैं। जैसा आप जानते हैं, बिजली बोर्ड में 1974 से गवर्नमेंट के साथ पुरानी पेंशन लागू हो गई थी और CCS पेंशन 1972 लागू हो गया था, और CCS पेंशन 1972 में जितने कर भी संशोधन हुए हैं, वो आप चाहे अभी हाल ही जो आपका 2003 में नई पेंशन को लेकर के हुआ है, सारे संशोधन बिजली बोर्ड में लागू किए गए हैं और जितने कर भी अमेंडमेंट्स 1974 के बाद हुई है सब लागू हुई है। लेकिन अभी और सेंट अमेंडमेंट है जो अप्रैल की अमेंडमेंट है CCS पेंशन रूल में, उस अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू नहीं किया। उस करके अभी जो बिजली बोर्ड में NPS के 6,000 से ज़्यादा कर्मचारी है, उनका जो NPS का शेयर है वो कटा पड़ा है। लगभग मेरे ख्याल में 58 करोड़ के करीब NPS एम्प्लाइज और एम्प्लायर का शेयर है जो कटा पड़ा है, जो NSLDL में जमा नहीं किया है। और अब वित्तीय जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोजिंग की ओर है और इस ईयर के एंड में हम कह सकते हैं कि फरवरी में उस फंड को या तो आपको NSLDL में जमा करना पड़ेगा या तो आपको कर्मचारियों को वापस करना पड़ेगा, 2 में से कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा करना पड़े तो वैसे में हम क्या कह रहे हैं कि अगर फरवरी तक बिजली बोर्ड में OPS लागू नहीं होती है तो जो OPS है वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी सदा के लिए OPS से महरूम रह जाएंगे। तो हमारी मांग प्रदेश सरकार से है, इसलिए हमने समयबद्ध किया है कि हमने प्रदेश सरकार को लगभग अप्रैल के बाद 9 महीने दिए हैं। हमने कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के माध्यम से भी, हमने 2 डेटे पिट्रॉप में अधिवेशन की रखी है, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जाएगा जिससे बिजली बोर्ड में OPS लागू हो, लेकिन वो डेटे मेच्योर नहीं हो पाई। अब जब समय कम रहा, जब हमें लगा कि अब फरवरी आने वाला है और आप साथी मीडिया के साथी को पता होगा कि पार्लियामेंट की डेट भी कभी भी घोषित हो सकती है, वो भी एक बड़ा कारण है। हमें लगा कर्मचारियों में, जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी है, पेंशनर्स है, इंजीनियर्स है, उनमें बहुत ज़्यादा संशय है, उन्हें लग रहा है कि आज हम जो OPS प्रदेश सरकार ने की है इससे कहीं महरूम न रह जाए। इस करके जो पूरे प्रदेश में जो बिजली कर्मचारी है, पेंशनर्स है, जो आज हमारे साथ खड़ा है और अभियंता है, तो इस करके बहुत ज़्यादा क्रोश है। उस क्रोश के चलते ही हमें शिमला मार्च टू शिमला की कॉल 11 जनवरी को देनी पड़ी और दुख हो रहा है। प्रदेश सरकार जो आज की वर्तमान सरकार है, इसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का क्या, प्रदेश के जो कर्मचारी है उनका एक अहम रोल रहा है और OPS के नाम पे प्रदेश सरकार को लाया गया। हमें दुख हो रहा है आज वही प्रदेश सरकार जिसको हमने सत्ता पे लाया है आज हमारी बात नहीं सुन रही है और इस करके बहुत ज्यादा क्रोश है। हम अभी भी निवेदन करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से कि वो कर्मचारियों की सरकार है, हमारी बात सुने और जो इमीडिएटली जो MD को हटाने की बात कर रहे हैं या OPS को बहाल करने की बात है उस पर विचार करें और उसको बिजली बोर्ड पर लागू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।